देगा आंटी कुत्ता दे दिए। ₹10 का है ना? अच्छा आप इतनी मेहनत करती हैं इतना इतनी उम्र में? बरसात हो रही है तभी तबीयत खराब हो जाए तो? ये लीजिए रख लीजिए रख लीजिए रख लीजिए। अरे हम बेटे हैं आपके एक तरीके से, रख लीजिए आप। आप लोग इतनी मेहनत से काम करते हो, ₹500 तो बनता है, थोड़ा आराम कर लिया करो। आप लोग कैसे इतनी मेहनत कैसे करते हो, मतलब इतनी बरसात में आप लोग बेच रहे हो? अच्छा ये लीजिए, ये ₹500 रखिए, इससे आप भुट्टे और खरीद के अपना बिजनेस बढ़ाइए, ठीक है? और पैसों की कमी हो तो बताइएगा। हमारा नंबर ले लीजिए। अरे हमने देखा आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने बूढ़े होके। आप इससे अपना बिजनेस बढ़ाएगा, ठीक है? भुट्टे और खरीद के लगाइए इसमें, ठीक है? हमें अच्छा लगेगा आप आगे बढ़ोगे तो। जी और पैसे चाहिए तो बताइएगा, ठीक है? ये लीजिए, ठीक है? हमारा नंबर है ये, हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, ठीक है? आशीर्वाद देंगे ऐसी मन से काम करते रहिए। अच्छा नमस्ते आंटी। मैं लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हूँ और यहाँ पे मैंने अभी देखा कि एक बुजुर्ग दंपत्ति जो पैसे कमाते हैं भुट्टे बेच के, और इतनी बरसात हो रही है उसमें भी ये लोग इतनी मेहनत से भुट्टे बेच रहे हैं, और उनके पास कम से कम 50 भुट्टे थे और ₹10 का एक था, यानी कि ₹500 के टोटल भुट्टे थे उनके पास। अगर सारे भुट्टे दिन भर में भी बेच लेते हैं तो उनको, मुझे नहीं लगता कि 200 या ₹300 से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उनसे बात करने में पता चला कि वो उनका जो बिज़नेस था वो सरकार ने हटा दिया था, जिस जगह वो लगाते थे उस जगह पे कुछ और बन गया, तो उस वजह से वो रोड पे आ गए और वो ठेला लगा के मतलब भुट्टे बेचते हैं। तो मैंने उनको ₹1,000 दिए, थोड़ी सी मदद की है, और आप लोगों को भी ऐसे लोग दिखा करें तो ज़रूर उनकी मदद किया करिए, मतलब मदद करने से ज़रूर उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो आगे बढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और इतनी बारिश में उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, ₹200-300 के लिए इतना वो लोग मेहनत करते हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो दवाई में इतने पैसे लग जाते हैं कि अर्निंग कुछ भी नहीं है उनकी। तो ऐसे लोगों को ज़रूर मदद कीजिए, ज़रूर आपको दुआएं मिलेंगी। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और ऐसा करता हूँ आगे भी आप लोग करते रहेंगे, ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। और आपको भी कोई गरीब दिखे तो ज़रूर उसकी मदद कीजिए, मदद करने से मानवता बनी रहेगी और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा, विश्वास मानिए। ओके थैंक यू, बाय बाय।